और बड़ी खबर आप न्यूज़ रेट तारादोई में हाईवे पर बच्चे स्केटिंग कर रहे हैं, ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्केटिंग करने वाले बच्चे स्केटिंग के दौरान अचानक गाड़ियों के सामने आ जाते हैं, जिससे हमेशा हादसा होने का खतरा बना रहता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह छोटे छोटे बच्चे हरदोई शाहजहांपुर हाईवे पर स्केटिंग करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान सड़क पर निकल रही गाड़ियों की चपेट में आकर कभी भी कोई हादसा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगरा के रहने वाले लड़के की अमेरिका में गोली मारकर हत्या कर दी गई। लड़का अमेरिका में ट्रांसपोर्ट का कारोबार करता था। लड़के की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। बता दें कि 17 दिन पहले ही लड़की की शादी हुई थी। मौत से पत्नी के साथ घर लौट रहा था। रोडरेज के विवाद में हमलावर ने गेविन को गोली मार दी। लड़के की बहन अमेरिका में रहती है। हत्या की खबर सबसे पहले बहन को मिली थी। वो हमें हमारा साथ छोड़ के चला गया। किसे मार दिया? वही कोई अमेरिकन ही था। गोली मार दी जी। फिर क्या कार्रवाई की हमें? यहाँ से तो कोई कार्रवाई नहीं की है। वहाँ उसको पहले पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। अच्छा। अब उसने ये बोला कि मेरे सेल्फ डिफेंस में मारी, तो शायद उसको छोड़ दिया है। शायद अभी पक्का मालूम नहीं है उसको। अभी शादी हुई थी जी? हाँ, 17 दिन हुए थे करीब शादी हुए। 29 जून को शादी हुई थी। हरदोई में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। आंख घूस लेने के आरोपी दरोगा और हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपी हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है। सीओ की जांच के बाद यह कार्रवाई की गई है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से यह खबर दिखाई थी। केस दर्ज करने और कार्रवाई के नाम पर सिपाही और दरोगा ने रुपये मांगे थे। पीड़ित ने सिपाही को 10,000 रुपये भी दिए थे और दरोगा को 2,000 रुपये और दिए जाने थे। पीड़ित ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद पुलिस हरकत में आई और एसपी ने दोनों को सस्पेंड कर दिया है। दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। पाली थाना इलाके की यह घटना है। पुलिसकर्मियों द्वारा जांच और विवेचना के दौरान अनुचित लाभ प्राप्त करने के संबंध में वीडियो वायरल हुआ, जिसकी जांच मेरे द्वारा की गई। आवेदक नरेंद्र द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना पाली में तैनात हेड कांस्टेबल विश्वजीत सिंह व उप निरीक्षक हृदय राम के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना पाली पुलिस द्वारा हेड कांस्टेबल विश्वजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपित दोनों पुलिसकर्मियों को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निलंबित किया गया है।